नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जिंदगी हमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बताती रहती है, ऐसे कुछ जानकारियां देना चाहती है संकेतों के द्वारा, कि हमें पता चल सके हमारा समय अच्छा आने वाला है या बुरा। नॉलेज ना होने की वजह से कितनी बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा समय अच्छा है, बुरा है, या अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है। आज एक छोटी सी जानकारी दोस्तों देने के लिए जा रही हूं। यदि ये चीजें आपको अपने घर में दिखाई देती हैं, समझिए आपके पास लॉट ऑफ मनी आने वाली है, ढेरों पैसा आपके पास आने वाला है। इनमें से कोई भी चीज दोस्तों ऐसी नहीं है जो मीनिंगलेस हो। ये तमाम चीजें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। बड़े ध्यान से इस जानकारी को आप सुनना, यदि अच्छी लग जाए तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें, अच्छी जानकारियों को शेयर करना पुण्य का काम है, जरूर करें। दोस्तों कई एक ऐसे जीव जो आम दिनों में आपको दिखाई देंगे लेकिन दिवाली की रात नहीं दिखेंगे। स्पेशली छिपकली के बारे में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि छिपकली यदि दिवाली की रात आपको अपने घर पर दिख जाए तो जरूर उसके ऊपर हल्दी चावल डाल दे। और ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सही बात है, 100% सही बात है कि दिवाली की रात छिपकली नहीं दिखती है। यदि दिख गए तो समझ ले आपको, आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपको पैसे बहुत मोटी रकम में मिलने वाली है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की, ना की हो अपनी लाइफ से। ऐसे ही उल्लू दोस्तों दिवाली की रात नहीं दिखेगा। यदि आप देखना कई जगह पर कई घर जो थोड़े सेमी अर्बन एरिया में बने हुए होते हैं, ऐसी जगहों पर उल्लू आ जाते हैं घर के आसपास, लेकिन दिवाली की रात उल्लू नहीं आएगा। यदि दिवाली की रात उल्लू आ जाए, आपको उल्लू के दर्शन हो गए तो समझिए माता लक्ष्मी के दर्शन हो गए। दिवाली की रात छिपकली का दिखना, दिवाली की रात उल्लू का दिखना, उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी है। दिवाली की रात सिर्फ दिख जाए समझिए किस्मत चमक गई। छिपकली माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। यदि आपके घर में भी छिपकली निकलती है और यदि पूजा स्थान में बैठती है, बहुत शुभ है। यदि रेगुलर आपके घर में पूजा स्थान में छिपकली आकर के तस्वीरों के पीछे बैठती है, मूर्ति के पीछे बैठने लग जाए, समझिए आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। ऐसे ही दोस्तों आपने देखा होगा कि छछुंदर साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। यदि आपके घर में छछुंदर शाम के समय, ये तमाम चीजें जो भी चीजें दोस्तों माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है उनके दर्शन शाम के समय ही होते हैं, और माता लक्ष्मी की जो पूजा है वो भी संध्या समय यदि आप करते हैं तो आपको उसका पूरा फल मिलता है। माता लक्ष्मी घर में दिया बत्ती के समय ही आती है, इसलिए दोस्तों दिया बत्ती के समय हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमेशा घर के दरवाजे पर पानी छिड़क कर रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में आए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं, जिन लोगों को पता है कि हाँ ऐसा होता है, आप देखना कभी भी संध्या समय ना कभी घर के दरवाजे बंद करेंगे, संध्या समय ना ही किसी को अपशब्द बोलते हैं, संध्या समय कभी भी कोई सफेद चीज किसी को दान में नहीं देंगे, किसी को उधार नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। संध्या समय कभी किसी को कोई चीज उधार नहीं देनी चाहिए, पैसे उधार नहीं देने चाहिए। तो दोस्तों संध्या समय, दिवाली की रात ना भी हो, संध्या समय
यदि आपको इस तमाम चीजें दिखाई देती हैं, संध्या समय हो या दिया बत्ती का समय हो, समझिए माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। उल्लू दिखाई दे जाए, उल्लू दोस्तों ऐसे भी यदि आप किसी अच्छे काम से घर से निकल रहे हैं और उल्लू यदि आपको दिखाई देता है और उसके अंदर कहीं आपको ओंकार की आवाज की गूंज आती है, समझिए आपके काम 100% हो गए। छिपकली आपके घर में पूजा के समय यदि हाजिर हो जाती है पूजा स्थान में, समझिए आपकी पूजा फलित हो गई, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। संध्या समय कहीं से बाहर से भी यदि छिपकली आपके घर में एंटर होती हुई दिखाई दे जाए, समझिए माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो गई। संध्या समय यदि छछूंदर आपके घर में आती है, समझिए आपकी जिंदगी सफल हो गई, बड़े पैमाने पर पैसे आपके पास आने वाले हैं। जिन लोगों के हाथ से दोस्तों, जो लोग सब्जी पूड़ी वगैरह जब बनाते हैं तो ज्यादा तेल, अमुक लोगों के हाथ से तेल कम खर्च होता है, शायद आपको मेरी बात वाहियात लगे लेकिन हकीकत है। कई लोगों को देखना जब कढ़ाई में तेल डालती है कई महिलाएं, तो बहुत कम तेल में पकौड़े तल के निकाल लेंगे, पूड़ी बना लेंगे और तेल उतना ही रहेगा, थोड़ा कम होता है। कुछ लोग एक या दो बार भी डाला और तमाम तेल जल जाता है, खत्म हो जाता है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई, एक छोटा सा टोटका जरूर करें, छछूंदर दिखती है तो अपने हाथ से उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दें, उसके बाद में कभी भी आपके हाथ से तेल नहीं जलेगा। कम से कम तेल में आप ज्यादा पकवान बनाने में समर्थ हो जाएंगे। तो छछूंदर भी दोस्तों माता लक्ष्मी का स्वरूप, यदि आपको संध्या समय दिखाई दे जाए अपने घर में। कई घरों में दोस्तों जो बहुत ही जिनके पास पैसा है, धन दौलत में आगे है, ऐसे परिवारों में ज्यादातर आप देखना संध्या समय छछूंदर घर में आते ही है। और कभी ऐसा हो कि नहीं, छछूंदर तो हमारे घर में आती है पर हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है, तो आने वाली है। ऐसे ही दोस्तों कान खजूरा ऐसी चीज है जो ज्यादातर आपको टॉयलेट में, बाथरूम में या जहां ज्यादा सामान इकट्ठा हो वहां पर दिखाई देता है। कान खजूरा दोस्तों यदि दिखाई देता है उसको कभी मारना नहीं चाहिए। कान खजूरा आपके आसपास से आपके घर में है, समझिए आपके गुरु मजबूत हैं, ये गुरु से जुड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों कान खजूरा यदि काट ले तो तुरंत शरीर में ऐठन होने लग जाती है, शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है इसको डाउन करने लग जाता है। चूहे को तो यदि ये काट ले तो चूहा तुरंत मर जाता है। कभी कान खजूरा काट लेता है तुरंत उसके ऊपर जहां वो काटा है सेंधा नमक डाल दें, बूरा डालें, तुरंत वो जगह छोड़ करके भागता है। तो यूं ऐसे देखने जाए तो खतरनाक है, नहीं रखना चाहिए इसको। लेकिन यदि आपके घर में है तो समझिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पैसे आपके घर में आते रहेंगे। बाथरूम में बार बार यदि कान खजूरा दिखाई दे रहा है आपको, समझिए आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। आपका मान सम्मान बिल्कुल, मतलब जिन लोगों का बिल्कुल कहीं मान सम्मान नहीं है, कहीं कोई पूछ नहीं है, वे लोग भी यदि उनके घर में कान खजूरा बाथरूम में निकलने लग जाता है, बाथरूम में मतलब ज्यादातर निकलते हैं, वैसे घर में भी यदि निकलता हुआ दिखाई देता है तो समझिए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। कभी भी इसको मारना नहीं चाहिए। कई लोग झाड़ू लेकर के उसको तुरंत मारकर फेंक देते हैं, हाँ उसको निकाल दे एक तरफ, लेकिन अपने हाथ से उसको मारे नहीं, मारा नहीं जाता है, ये बहुत शुद्ध बहुत पवित्र जीव है। हाँ, इससे बच कर के जरूर रहे, जैसे सांप उसे मारा नहीं जाता है लेकिन बच करके रहा जाता है, ये चंद्र से जुड़ा होता है, भगवान शिव से जुड़ा होता है। सोमवार के दिन या सावन महीने में सांप यदि आपके घर में निकलता है, घर में आता है, कभी उसे मारे नहीं, यूं भी मारना तो नहीं चाहिए, ऊपर से शिव मंदिर में जाकर के कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर दें, आप समझ जाइए भगवान शिव आपको संकेत दे रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। ऐसे ही यदि ये चीज आपको बाथरूम में दिखाई दे रही है, आप समझ लीजिए आपके गुरु मजबूत हैं। गुरुवार के दिन कुछ ना करें तो पीले कपड़े जरूर पहने, कोई ऐसा जैसे गुरुवार के दिन बेसन वाली सब्जी खाए, बेसन खाए, चने खाए, गुरुवार के दिन चने का दान करें, थोड़ा बहुत ऐसा काम आप छोटा मोटा कर दें जिससे गुरु पूरी ताकत से प्रसन्न हो जाए, आपके तमाम सपने सही होने लग जाए। तो दोस्तों ये तमाम जीव आपके भविष्य का
भविष्य को बताते हैं कि आपका भविष्य कैसा आने वाला है। हमेशा इन जीवों को जीवों की इज्जत करें, कभी ये ना करें कि उल्लू है मतलब ये अपशकुन पैदा करेगा, इसको मार दो, इसको हटा दो, इसको भगा दो, नहीं। शुक्रवार का दिन हो, पूनम हो, अमावस्या हो, यदि ऐसे दिनों में ये तमाम जीव दर्शन देते हैं तब तो समझो सोने पर सुहागा है। जय श्री कृष्ण।